हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी आप लोगों को मैं पीडीएफ फॉर्म में ये आपको शेड्यूल दे दूंगा, ठीक है। तो पहले दो बात मेरी सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात है। 2 से 3 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक ना। ऐसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पहले दो एक स्टूडेंट बोला करते थे कि आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता। आप सही थे, मुझसे इतना हैंडल बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाऊँगा, ठीक ना। तो दो बातें सुन लेना, ये पहले शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। आपको गूगल ड्राइव का पीडीएफ फॉर्म में खुलेगा, गूगल ड्राइव पे जा करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि आप लोग पहले कुछ देखो, मैं कुछ पहले नाम लूँगा आप लोगों को, आप ही लोग का नाम है, ठीक ना। तो वो लोग सबसे पहले मुझे यहाँ पर फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे हैंगआउट का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हैंगआउट का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे कमेंट करके आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं हैंगआउट में एक ग्रुप है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड का ग्रुप @gmail.com, ये @gmail.com हैंगआउट पे आपको अकाउंट मिल जाएगा ये चीज़, या जीमेल पे भी मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद के बाद कहानी बात की है, ठीक है। पहले नाम सुनना, नाम थोड़ा ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है इसी पेज में है तभी तो मैं देख के पढ़ूंगा, पर वो आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पर्सनल या जो भी है सिक्योरिटी लेवल है, बस इसलिए नाम मैं नहीं दिखा सकता। बाकी नाम ले रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना अपना नाम। और प्लीज़ आप लोग 43 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं छाँट करके, ठीक ना। अब छाँट करके मतलब ऐसा नहीं कि इतने स्टूडेंट मुझे ये हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी यहाँ पे भेज सकते हो, सारे के सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। समझना कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। आप लोग सारा कुछ करना यहाँ पे जीमेल में कर देना, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट होंगे। एक्चुअली मेरे पास नाम नहीं है, अचानक से स्टूडेंट जुड़ते चले गए तो नहीं मालूम चला। बाकी ये जितना नाम ले रहा हूँ ये पुराने स्टूडेंट हैं, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि देना। और बात रही टाइम का तो बताता हूँ, दो स्टूडेंट टाइम के बारे में बात करते थे, तो सच में मैंने आज एक क्वेश्चन का अपलोड किया। तो देखो यार, आपने गलती बनाया है पर NTA वाले ने सही कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे, ठीक ना। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मैंने बताया कि बस ये चीज़ है, अगर आप कर सकते हो तो आप करो, बाकी आपके बदले मैं कर दूंगा। और मैंने कर दिया, 4 क्वेश्चन पे टोटल चैलेंज किया है मैंने। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, क्योंकि मैंने नोट्स दिया था सेल का, मैंने नोट्स दिया था और सेल से क्वेश्चन आया है। अब सारा क्वेश्चन सेल से आया था, मेरा नोट्स उठा करके देख लेना, जो नोट्स जिनके पास है, तो सारा करेक्ट हो गया, पर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो मैंने उस समय बोला था कि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, तो कैसे मैं रॉन्ग कर दूँ, बोलो आप ही। जी नोट साइकिल से आया था, तो ये काम मुझसे नहीं होगा, तो वो वाला मैंने करेक्ट किया। कॉर्निया का एक है तो वो भी करेक्ट करने के लिए मैंने चैलेंज किया, ठीक है। और वो कोई NTA वाले हम लोगों को देते हैं कि आप लोग चैलेंज करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं, वो कतई मतलब नहीं। वो तो बोलते हैं चैलेंज करो, और अगर हम लोगों का कुछ गलती होगा तो हम लोग उसे सही करेंगे, ठीक ना। तो नंबर ऑफ मेजोरिटी जितना जाएगा वहाँ पे सही रहेगा। और बात रही अगर आपके 560 मार्क्स आ रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत ही हो गया तो उससे क्या चला जाएगा, 5 नंबर जाएगा, 555 सिलेक्शन नहीं होगा क्या यहाँ पे? आराम से सिलेक्शन होगा यार, कट ऑफ पिछले साल से 5 या 10 नंबर ही बढ़ेंगे, 10-12 नंबर आप बोल सकते हो, 10 या 15 नंबर चलो इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज तो नहीं होगा पर इंक्रीज होगा, नहीं तो वही सेम का सेम रहेगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको ऑल इंडिया नहीं मिलेगा तो स्टेट में तो पक्का है मिल जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक ना। तो टेंशन मत लो, और बाकी जिनका नहीं हुआ है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो सही है, ठीक ना। जबरदस्ती का कुछ भी ये करने के लिए तो वहाँ पे मेरा बहुत टाइम लग गया, ठीक है, वेस्ट तो नहीं बोलूँगा फिर आप लोग गुस्सा जाओगे, पर बहुत टाइम लग गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो कम ही दे पाऊँगा, तो इसलिए पहले कुछ कर लूँ मैं। तो देखो नाम सुनना, स्नेहा श्री चरण कोटा, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार बोलूँगा, ध्यान से सुन लेना अपना नाम, यहाँ पे कमेंट करना, हैंगआउट में आपको ज्वाइन करना है, ठीक ना, ऐड करना, वहाँ पे आप लोग इजीली खुद में डिस्कस कीजिएगा और अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, और खुद में क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, खुद में बनाइएगा। मेरा टेस्ट का क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो खुद में डिस्कस कर करके समझ सकते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा उसमें। श्री चरण कोटा, सन्नी सिंह, वंदना पी,
मेडिको सून ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। कुमारी एस, कुमारी एस आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, आप जरूर फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे जा करके कर लीजिएगा। संजय मिश्रा आप भी कर लीजिएगा। वर्षा त्रिपाठी आप भी, ठीक है। प्रेक्षा राजलक्ष्मी, कोमल शर्मा, हनीत गर्ग, रॉकी चौधरी, सुमेधा सिंह कर लीजिएगा आप भी जा करके। जगदीश सिंह, हेमराज मीना, फहीम 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 नाम है और फिर आगे भी फहीम सेफी ने, ठीक ना, अब कुछ गलती हो रहा होगा पढ़ने में तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। स्नेहा कुमारी, संध्या वर्मा, रिपु दमन, ठीक है। जफर खान, प्रज्ञा दीप्ता, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। प्रज्ञा दीप्ता देवनाथ, ठीक है, देवनाथ। आयान खान, दिव्या गौर कर लीजिएगा। जैनाब अफ्ताब, मेहरा मस्जिद, हिमानी अग्रवाल, यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, ऐड कर लूँगा मैं, ठीक है। दिव्यांजना श्रीवास्तव, आप भी। शेख असरा, दिव्यान सोनी, श्वेता शर्मा, सिद्धि शर्मा, XYZ लिखा हुआ है, फिर ABCD लिखा हुआ है, XYZ and ABCD यही नाम है, तो वही अब मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक ना, तो प्लीज़ उसे नाम थोड़ा करेक्ट बनाइएगा, नाम सही रहता तो अच्छा लगता, ठीक है। शिवम शुक्ला, सादिया इकरम, नित्या निकी आप भी कर लीजिएगा, आपको भी मैं बोल रहा हूँ अलग से, ठीक ना। नित्या निकी physicsinplayground@gmail.com कमेंट कीजिएगा वहाँ पे जीमेल पे, और हैंगआउट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं ऐड कर दूँगा आपको, ठीक है। युवराज सिन्हा, सन्ना नाच, राजेश रोशन, पल्लवी विरुलकार, ठीक है, पल्लवी नाम है, ठीक है। और एक नाम है इपली सीरामुख, ऐसा नाम है जो कि बहुत दिक्कत है पढ़ने में, ठीक है। इपली सीरामुख आपने जीमेल पे बहुत बार मुझे मेल भी किया है, तो काम कीजिएगा हैंगआउट पे भी मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। दिव्यांजना फिर से आ गया, दिव्यांजना श्रीवास्तव, ठीक है, दोबारा नाम आ गया, कोई बात नहीं। फिर आता है दी शर्मा नाम है, ठीक है, दी शर्मा। फिर प्रज्ञा दीप्ता का भी दोबारा नाम आ गया, ठीक है, प्रज्ञा दीप्ता देवनाथ। तो ये आप लोग मुझे यहाँ पर आकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक ना। बहुत स्टूडेंट इसी में से कम 10-12 स्टूडेंट है जो कि बोल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए। तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ने बोला था, ठीक ना, आपका नाम भी ले लिया, आप तो कन्फ्यूजन नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना देता, पर आप जितना नाम लिया उसमें देखो more than 60% से 70% गर्ल्स है, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, ठीक ना, समझो बात को, ठीक है। तो इसलिए सही नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है, और एक बार मैं बना दूंगा तो 10-10 बन जाएगी, इसलिए भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, नहीं, आप लोग भी कीजिएगा, आप लोग को भी ऐड करूँगा, कोई ये नहीं है कि इन्हें पर्सनल मैं कुछ दूंगा, ठीक है, कुछ भी पर्सनल नहीं दूंगा, सबको, आप लोगों को सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है। बस सिलेक्शन चाहिए और पार्टी करेंगे, जितना नाम लिया हूँ मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। फेयरवेल आप ही लोग से लेना है, ठीक है, और किसी से फेयरवेल मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और ये शेड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में।